हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स प्रोफेशनल क्लास में वेलकम। हमने लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज किए थे वेक्टर के, आज हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज आपके पास ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो वो बनेगा आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। क्लियर? हम इसको जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, सिमिलर वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें साइन थीटा होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर जो होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? नेक्स्ट, आई क्रॉस आई क्या होता है इसमें? जीरो। आई क्रॉस जे क्या होता है? के। आई क्रॉस के क्या होता है? जे। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। जे क्रॉस जे क्या होता है? जीरो। जे क्रॉस के क्या होता है? माइनस आई। के क्रॉस के क्या होता है? जीरो। के क्रॉस आई क्या होता है? माइनस जे। के क्रॉस जे क्या होता है? माइनस आई। क्लियर? ये हमारे फॉर्मूलास। उसके बाद है लैग्रांज आइडेंटिटी। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ये थे हमारे वेक्टर के फॉर्मूलाज। आपको मेरे मैथ्स प्रोफेशनल चैनल पर हर क्लास के हर टॉपिक के फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। थैंक यू।